हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनीता शर्मा एंड आज मैं आप सबके सामने एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आई हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और मैं फीमेल हेल्थ हाइजीन अवेयरनेस पर काम करती हूँ। आज हम बात करेंगे फीमेल हेल्थ पे। फीमेल हेल्थ में अगर मैं बात करूँ तो WHO की रिपोर्ट बोलती है कि एवरी 7 मिनट में एक फीमेल की डेथ हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्विकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर। अब आप ये सोचिए कि इतने ज्यादा आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं कैंसर्स के, तो इसका कारण क्या है? कभी आपने इस बारे में नहीं सोचा होगा। अगर हम बात करें एक और WHO की रिपोर्ट में, तो एवरी 3 मिनट्स में एक फीमेल का यूट्रस रिमूव हो रहा है। अगर आप किसी भी फीमेल से बात करेंगे तो वो आपको यही बोलेगी, मेरा यूट्रस रिमूव हो चुका है। तो आप सोचिए कि एक फीमेल के लिए उसका यूट्रस कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर उसी को रिमूव कर दिया जाए तो उसकी बॉडी में कितने ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कितने ज्यादा हार्मोनल इश्यूज बने रहेंगे उनके साथ, तो वो कितना सर्वाइव करती हैं। अगर हम इन चीजों को छोटे छोटे स्टेज पे ही खत्म कर देंगे तो ये आगे बड़ी स्टेज तक नहीं पहुंचेगी। तो उसी की इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगी कि आप ऐसे क्या चीज यूज करें जिससे आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो आज मैं बात करूंगी पेंटी लाइनर के बारे में, एरीज पेंटी लाइनर के बारे में। ये पेंटी लाइनर इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर आप इसे यूज करते हैं तो ये आपको गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम से दूर रखता है, कोई भी प्रॉब्लम आपके आसपास आने नहीं देता। अगर मैं बात करूं कि कोई भी फीमेल जब बाहर जाती है तो वो किसी भी पब्लिक टॉयलेट को यूज कर लेती है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि जो आपसे पहले गया था उसने वहां पे वाटर डाला है या नहीं डाला, तो आप वही यूज कर लेते हैं जिससे आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिन इन्फेक्शन के बाद आपको पता है काफी टाइम तक, अगर 6 महीने तक भी आप मेडिसिन लेते हैं तब तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसको नेचुरल तरीके से क्योर करने के लिए आपको ये प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। और भी इसकी क्या खासियत है, पहले मैं इस प्रोडक्ट को दिखाना चाहूंगी। ये इसकी पैकेजिंग है, इसमें 30 पीसेस आते हैं जो कि आपको कब यूज करने हैं, जब आपको पीरियड्स नहीं होते हैं। पीरियड्स में आपको टियांस का एरी सैनिटरी नैपकिन यूज करना है, ये वाला ये यूज करना है, और जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं बाकी डेज में आपको पेंटी लाइनर यूज करना है। जब ये आप यूज करेंगे तो आपको जब पीरियड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप ये यूज करेंगे। इसमें 30 पीस हैं। 30 पीस यूज कैसे करना है, ये दिखता कैसा है, ये इतना स्मॉल साइज का होता है और देखिये कितना पतला है, बिल्कुल एक कपड़े जितना इतना छोटा है। ये सिर्फ आपको अपनी पैंटी पे लगाना है और लगा के यूज करना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ चीज यूज करी है कि नहीं। अब इसके फायदे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉटन का है। अगर आप देखें कि काफी लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी थाई लग जाती है क्योंकि वहां पे हमेशा गीलापन महसूस होता है, हमें वेट रहता है वहां पे, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप ये इस पेंटी लाइनर यूज करेंगे तो आपको वहां पे हमेशा ड्राइनेस रहेगा जिसकी वजह से आपको ये इचिंग प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बिल्कुल फ्रेशनेस फील करेंगे। अब आप ये देखिए, इसमें आपको ग्रीन चिप दिख रही होगी, यहाँ पे ये ग्रीन चिप, इसका काम क्या है, ये है नेगेटिव आयन चिप। ये नेगेटिव आयन चिप क्या करती है, ये आपके हार्मोनल इश्यूज को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करती है। जितने भी इश्यूज होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम होती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। तो हार्मोनल डिसबैलेंस कैसे भी हो सकते हैं, अगर आपके इनरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो भी वो हार्मोनल इश्यूज है। अगर आपको UTI इन्फेक्शन है, अगर आपको ज्यादा ब्लीडिंग होती है, कम ब्लीडिंग होती है, कई लोगों को ये होता है कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, कंसीव नहीं कर पाते, और कई कंसीव कर भी लेते हैं तो उन्हें प्रॉपर बेड रेस्ट बोल दिया जाता है। बेड रेस्ट के बाद जब वो प्रॉपर बेड रेस्ट लेती है लेकिन फिर भी उनका जो डिलीवरी होती है वो सिजेरियन होती है। तो आप सोचिए कि पहले के जमाने में सभी फीमेल्स प्रेग्नेंट होती थी तो उनकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम में सभी फीमेल्स को ये सर्जरी का सामना करना पड़ता है। सर्जरी के बाद उनके बॉडी में काफी सारे हार्मोनल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो परेशान रहती हैं। और दूसरी बात, इसका और क्या क्या यूज है मैं बताती हूँ। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो आप इसे यूज करिए, ये आपके यूरिन इन्फेक्शन में बहुत बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको पाइल्स है, पाइल्स में आप इसे यूज कर सकते हैं, ये पाइल्स में बहुत आराम देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपको फीवर आया है और घर पे कोई मेडिसिन नहीं है, इमरजेंसी पर्पज में इसे गीला करिए और अपने माथे पे ऐसे रख लीजिए, आपका फीवर उतर जाएगा। अगर आपके पिंपल्स हो रहे हैं, कहीं भी पिंपल्स हो रहे हैं, वहां पे इसे इस चिप को, ग्रीन वाली चिप को गीला करके वहां लगा लीजिए, पूरी रात लगाइए, तो वहां से वो जो पिंपल है वो पूरी ओवरनाइट वो पिंपल हट जाएगा, क्लीन हो जाएगा।
अगर आपके शूज में स्मेल आती है तो इसको वहां पे रख लीजिए, स्मेल नहीं आएगी। अगर आपके अंडरआर्म्स में स्मेल आती है तो आप अंडरआर्म्स में भी रख सकते हैं, तो अंडरआर्म्स में स्मेल नहीं आएगी। और इसके क्या 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 बेनिफिट्स हैं, इसके बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, अगर काउंट किए जाए तो आप बेनिफिट्स को रोक ही नहीं पाएंगे। अगर इनरेगुलर पीरियड्स होते हैं उसको रेगुलर बनाने में आपकी हेल्प करता है, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है उसको कम करने में हेल्प करता है, अगर आपको कम ब्लीडिंग होती है तो भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि कम ब्लीडिंग होना भी सही नहीं है, ये भी एक हार्मोनल इश्यूज होता है। और अगर आपको जल्दी पीरियड आते हैं, देर से पीरियड्स आते हैं तो भी उसमें भी ये हेल्प करता है आपकी, ये प्रॉपर हार्मोनल इश्यूज में हेल्प करता है। पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, सिस्ट हो, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और कहीं भी किसी को जैसे एड़ी में पेन रहता है तो अगर इसे आप गीला करके एड़ी के नीचे लगा लेंगे तो उसका पेन रिमूव हो जाता है। अगर आपको एड़ी में नी में दर्द होता है तो आप इसे गीला करके वहां लगा लीजिए, आपके पेन में रिलीज देगा। अगर आपको शोल्डर में पेन है तो आप इसे गीला करके वहां लगा लीजिए, आपके शोल्डर में पेन में रिलीफ देगा। मैं अगर बात बोलूं एक सिंपल और सोबर, तो ये हर पेन रिलीफ में रिलीफ देता है, हर पेन में रिलीफ देता है। और ये इतना अच्छा है कि इसकी अवेयरनेस आई थिंक अभी किसी फीमेल्स को नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि इनको हर घर तक पहुंचाना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे को पता कैसे चलेगा मेरे को इन्फेक्शन है या नहीं। अगर कहीं भी इन्फेक्शन है आपको, व्हाइट वाटर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, जो कि बोलते हैं कि कभी सॉल्व नहीं होता है, लेकिन आप इसे यूज करेंगे तो वो आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं, ये आपको मार्केट से किट, इसमें किट प्रोवाइड की जाती है, हर पैकेट में किट होती है, सेल्फ टेस्ट वजाइना किट, जिसमें आप घर पे ही रहके अपने आपको टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। वो आप कैसे टेस्ट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आप ये देखिए कि इसमें तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें निकलती हैं। आप ये देखिए, एक बर्ड निकलता है, एक इसमें ये इंडिकेटर्स निकलते हैं, और एक इसमें ये चिप निकलती है। ये देखिए, चिप निकलती है जिसमें येलो कलर है, आपको दिख रहा होगा येलो कलर है। अब क्या करना है, जब आपके पीरियड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको अपनी वजाइना से फ्लूड लेना है, जो व्हाइट कलर का फ्लूड होता है वो इस बर्ड पे लेना है। इस बर्ड पे लेने के बाद यह येलो स्ट्रिप पे यहाँ पे रब करना है। रब करने के बाद अगर इसका कलर सेम येलो रहता है, इट मीन्स ये येलो रहता है, तो आप बिल्कुल ठीक है। अगर ये इन दो कलर में चेंज हो जाता है, इट मीन्स आपको हल्का सा इन्फेक्शन है। जो आप पेंटी लाइनर यूज करेंगे और हमारा पीरियड्स के टाइम पे सैनिटरी नैपकिन यूज करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम्स इन डार्क तीन कलर्स में आ जाती है, ये जो तीन कलर्स आपको दिख रहे हैं, अगर इनमें से एक होती है, इट मीन्स आपको बहुत ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन है, जिसके लिए आपको तुरंत हमारे सप्लीमेंट्स एंड इक्विपमेंट यूज करने होंगे, जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये सोचिए कि आपको घर बैठे बैठे इतना अच्छा और इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, जिससे आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं और लोगों को उसकी हेल्थ के लिए अवेयर भी कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इस अभियान को आगे बढ़ाएं। मैं तो इसको काम को बहुत अच्छे से कर रही हूं, और जब भी मेरे को कोई भी फीमेल मिलती है मैं उसको इस चीज को रिकमेंड जरूर करती हूं। क्योंकि देखिए, पीरियड्स के टाइम पे तो आप सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स डेज, अदर डेज में भी तो आपको इन्फेक्शन होते हैं, उससे कौन बचाएगा, उनसे बचाएगा ये हमारा एरीज पैंटी लाइनर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको आज ही अपने घर में लेके आइए और इसे डेली यूज करिए, चाहे आपको इससे आप ठीक हो जाए, लेकिन आप इसे तब तक यूज करिए जब तक आप हैं, मतलब इसको डेली बेसिस यूज करिए। जरूरी तो नहीं है कि व्हाइट वाटर डिस्चार्ज बंद हो गया तो कोई इन्फेक्शन आपको होगा नहीं, या बाहर से नहीं निकलोगे, या कोई टॉयलेट यूज नहीं करोगे, तो आप हर चीज करोगे तो ये क्यों बंद करोगे, इसे भी तो कंटिन्यू रखो। इसे कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है, इसको कंटिन्यू यूज करिए, आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, और ये अवेयरनेस प्रोग्राम में मेरी हेल्प जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।